पैदा होती है सोनभद्र, बिजली चली जाती है काल अपना, यहाँ के लोगों को मिलकर नहीं करती है, बोलो सही है गलत है। पिछले कुछ महीनों से यूपी के पूर्वांचल की सियासत काफी सुर्खियों में रही है, खासकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर को लेकर। राजभर जब से एनडीए में शामिल हुए हैं तभी से सुर्खियों में हैं। कभी घोसी चुनाव को लेकर तो कभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। इन सभी मौकों पर राजभर के बेबाक बयान काफी चर्चा में रहे हैं। राजभर का एक और बयान फिर सुर्खियों में है, जहां उनकी बेबाकी विपक्ष को घेरने के साथ शुरू हुई, लेकिन विपक्ष को घेरते घेरते अपनी ही सरकार को घेर लिया। जरा सुनिए ओपी राजभर ने ऐसा क्या कहा जिसने उनकी अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। पैदा होती है सोनभद्र और बिजली सोनभद्र में 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा मिलती है, और कुछ ऐसे इलाके हैं वहां तो और दुर्गति है। सरकार की सोच है कि देहात में ग्रामीण इलाकों में 18 घंटा और शहरों में 24 घंटा, लेकिन कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व का दोष है। बता दें कि रॉबर्ट्सगंज में सुबह सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में ओपी राजभर ने प्रदेश की बिजली का मुद्दा उठाया और इसकी किल्लत पर बोलते बोलते यहां के जनप्रतिनिधियों को ही घेर लिया। बता दें कि सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज समेत सभी चारों सीट पर भाजपा का कब्जा, साथ ही रॉबर्ट्सगंज सांसद भी भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल का ही है, यानी एक और पूरा इलाका भाजपा का गढ़ है। ऐसे में राजभर का सवाल यहाँ के जनप्रतिनिधियों की ओर इशारा करती है कि बिजली की किल्लत के लिए वो भी जिम्मेदार है। बहरहाल राजभर ने जनप्रतिनिधियों पर तो सवाल उठाया ही, साथ ही बिजली विभाग के अफसरों को भी घेरा। सरकार की जो मंशा है, जो नियत है, उनकी नियत और मंशा पर हमारे अधिकारी जो बिजली विभाग के हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। इस बात को लेकर के हमारे साथी बहुत से लोग हमको रसीद देते हैं, बिजली का बिल देते हैं कि साहब हमने कनेक्शन लगाया, हमने कृषि के लिए पंपिंग सेट के लिए 2 हॉर्सपावर लिया और उसके बाद हम बिल नहीं दे पाए, अब कुछ दिन के बाद हमारा कमर्शियल घोषित हो गया। राजभर के ये सवाल इशारों इशारों में योगी सरकार पर ही सवाल है, जो भाजपा के जनप्रतिनिधियों के बहाने किए गए हैं। बता दें कि घोसी में भाजपा की हार के बाद पार्टी राजभर को साइडलाइन करती दिख रही है। हालांकि राजभर को पूरी उम्मीद है कि घोसी के बुरे नतीजों का उनके मंत्री बनने के सपने पर कोई फर्क नहीं डालने वाला है, लेकिन बिजली को लेकर राजभर का बयान ये इशारा करता है कि भाजपा की ओर से दिख रही बेरुखी से राजभर को रह रहकर सियासी करंट जरूर लग रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।